हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन टू बॉलीवुड। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि हमारा एक एक्टर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो गाइस, हमें मॉर्निंग में रनिंग जरूर करना है भाई। रनिंग का इसलिए फायदा है, हमारी हेल्थ के लिए तो फायदा रहता है। कल को अगर आपको शूटिंग पे कोई रोल मिला जिसमें आपको रनिंग करनी है, भागना है, तो आप कैसे भागोगे? आप एक दो बार भागोगे, पैर में दर्द होगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, आप थक जाओगे तो सीन पूरा नहीं हो पाएगा। तो गाइस, एक एक्टर को फिट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको अपने डेली रूटीन में एक रनिंग जरूर डालनी है, आपको रनिंग जरूर करना है। चाहे आप आधे घंटे करो, चाहे 15 मिनट करो, बट धीरे धीरे इसको इंक्रीज करो और अपने डेली रूटीन में इसको ऐड करो। बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। आपको जो योगा बताए गए हैं, जो वॉइस प्रैक्टिस बताई गई है, आप उनको जरूर करें, क्योंकि वो बहुत फायदा होगा। जब आप वो करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपकी वॉइस अच्छी होगी, आप अंदर से भी फिट रहेंगे। तो बहुत जरूरी है योगा। तो सेकंड, आपको योगा जरूर करना है। गाइस, अब हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग। तो गाइस, एक एक्टर को न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि उसमें आपको नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे, नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, भाई कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और जो आप न्यूज़ पेपर रीडिंग करो ना, तो लाउडली करना है, मन में नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं, बोल बोल के आपको रीडिंग करनी है, तभी वो काम करेगा और आपकी जो है लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होगी हिंदी। क्योंकि भाई एक्टिंग में हिंदी का ही सब कुछ है। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। तो आपको उससे नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे, जिससे आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे और आपकी बोलने में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब आपको सीन मिलता है, डायलॉग मिलते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन अगर आपने कभी नहीं किया होता है, तो आप वो सीन को ना उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर, आमिर खान हो गया, या फिर आप वरुण धवन देखो, ऋतिक रोशन देखो, जब इनको कोई सीन मिलता है ना, अभी काबिल फिल्म में जब ऋतिक को सीन मिला भाई अंधा बनना है, तो उनके घर पे 5-6 अंधे रोज आते थे, वो उनको ऑब्जर्व करते थे, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने सीन किया। वरुण धवन को बदलापुर में एक संगी का कैरेक्टर मिला, उन्होंने जो है मुंबई के पागल खान में जाकर लोगों को ऑब्जर्व किया, कैसे वो लोग एकदम संगी टाइप के रहते हैं, उसके बाद उन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया। आमिर खान ने पीके फिल्म में पूरा ऑब्जर्व किया अच्छे से सबको, कि भोजपुरी लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, भोजपुरी लोग कैसे होते हैं। काफ़ी ऐसी फिल्में हैं यार, आप देखोगे नेट पे बहुत सारे एक्टर हैं जो पहले ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, फिर एक्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े एक्टर हो के वो ऑब्जर्व करने के बाद एक्टिंग करते हैं, तो आप तो अभी कुछ भी नहीं हो। तो गाइस, अभी से स्टार्ट कर दीजिए ऑब्जर्वेशन करना, जो भी मिलता है, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, सबको ऑब्जर्व करो। ये बहुत फायदा करेगा। जब आपको सीन मिलेगा ना, तो आपसे बेस्ट कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने पहले से उस पर होमवर्क कर रखा है और दूसरे बंदे ने होमवर्क नहीं किया है। आप ऑडिशन देने जाओगे ना, आपका यूं सिलेक्शन होगा यूं। तो गाइस, प्लीज ऑब्जर्वेशन जरूर करें, अपनी डेली हैबिट में ऑब्जर्वेशन को जरूर डालें। आइए बढ़ते हैं। तो गाइस, आपको अपने डेली रूटीन में आपको एक बुक रोज पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक एक ही दिन पढ़ लो, जैसे बुक हो, मोटी बुक है तो उसको आप 2-3 दिन में पढ़िए, बट एक बुक यार रोज टारगेट बनाओ, कि हमें रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप जब किताबें पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में ना एक पूरा स्टोरी चलती है, पूरा कैरेक्टर क्रिएट होता है, यार ऐसा ऐसा हुआ। एक एक्टर के लिए ना ये होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी डायरेक्टर को देखो, एक्टर को देखो, आपने उनके इंटरव्यू में देखो, उनके घर पर एक पूरा बुक का वो लगा रहता है, जिसमें सारी बुकें लगी रहती हैं। उनके पास टाइम ना होके भी वो एक टाइम निकालते हैं, अपनी बुक को रीडिंग करते हैं, बुक पढ़ते हैं। आप किसी भी एक्टर से मिलोगे ना, आप उनसे पूछोगे, सर आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, जिनका आपको नाम भी नहीं पता हो ना, वो उन्होंने पढ़ के छोड़ दी होगी। तो गाइस, इसलिए कह रहा हूँ ये हैबिट जरूर डालो, आपको बुक तो रीड करना ही करना है। बहुत सारी हिंदी बुक्स हैं जिनका आप पढ़ो, बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। अब है हमारा मिरर प्रैक्टिस। तो गाइस, आपको मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करनी है, खुद को देखना है, खुद को देखो और एक्टिंग करो। जो डायलॉग आपको मैं देता हूँ उनको याद करो और खुद से बोलो और देखो मिरर में आप कैसा कर रहे हो। जितना आप मिरर प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे एक्टर बन पाओगे। तो जरूर आधे से एक घंटा निकाल के मिरर प्रैक्टिस करो, खुद को देख के एक्टिंग करो, देखो आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। तो पूरे दिन में एक मूवी देखनी है। मूवी इसलिए देखनी है कि आपको पहली बात तो सब कैमरा एंगल समझने हैं उसमें, और डायलॉग समझना है, क्या डायलॉग बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, उसके बाद किस करेक्टर है, किसका क्या क्या करेक्टर है, आपको उस मूवी पूरा रिसर्च करना है। डायरेक्टर ने क्या सोचा, एक्टर ने क्या करके दिखाया, और इसका करेक्टर कैसा है, ये करेक्टर कर रहा है, आपको पूरा समझना है उसको। जैसे भी हम नॉर्मल फिल्म देखते हैं, गए देखा, हाँ अच्छी अच्छी कहानी थी, इतने देखते हैं। लेकिन अब आपको टेक्निकली देखना है किस शॉट को उसने कहाँ से लिया, किस एक्टर ने कैसा रिएक्शन दिया, और उसने जब ये डायलॉग बोला तो उसका रिएक्शन कैसे आया,
आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना है, समझना है उसको, पूरा पूरी प्लानिंग समझनी है डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर कैसे काम निकाला उसमें, तब जाके आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। गाइस अब हमारा है कैमरा प्रैक्टिस। तो भाई अब कैमरा प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे पास तो कैमरा है ही नहीं। तो गाइस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करिए, उस पर अपने खुद के वीडियोज बनाइए, जो आपको डायलॉग्स दिए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करिए, खुद से देखिए यार मैंने ऐसे किया कैसे, कैसे कर रहा हूं मैं, क्या मेरी लिपसिंग प्रॉब्लम है, क्या यार मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, मैंने कहाँ पे क्या गलत किया और मुझे क्या ऐड करना है। एक ही डायलॉग को 15 से 20 बार आपको रिकॉर्ड करना है और सब में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, तब जाके ये वर्क करेगा। ये बहुत जरूरी है कैमरा प्रैक्टिस करना आपको, तभी आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे गाइज। तो गाइज अब हमारा है लिपसिंग। भाई अब लिपसिंग कैसे करेंगे, तो गाइज आपको रूम के अंदर एक गाना प्ले करना है और उस गाने को रिपीट करना है, लिपसिंग करना है, जो वो बोल रहा है उस पर आपको लिपसिंग करना है, डांस करना है, जो भी आप कर सकते हो खुद से घर पे ट्राई करो। कल को आपको फिल्म मिली या म्यूजिक एल्बम मिला, अगर आप लिपसिंग ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे आपको चांस देंगे। आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे म्यूजिक एल्बम आ रहे हैं, कितने सारे स्टार म्यूजिक एल्बम से लॉन्च हो रहे हैं, तो गाइज अगर आप लिपसिंग ही नहीं कर पाओगे, कल को आपको कहीं मौका भी मिला तो आप कैसे कर पाओगे। तो अभी से आदत डालिए लिपसिंग करने की, कैसे मुझे गाने पर लिपसिंग करने, कैसे उसको फील करना है, तो बहुत फायदा करेगा आपका गाइज। तो प्लीज इसको भी अपने डेली रूटीन में जरूर डालें। स्क्रिप्ट राइटिंग। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे मैं तो राइटर हूं ही नहीं, तो मैं क्या राइट करूं, मैं क्या लिखूं। तो गाइज बहुत सिंपल है, कुछ भी सोचो, एक कहानी खुद से लिखो, नहीं कुछ मिलता है तो अपने ऊपर कहानी लिखो। अभी तक आपने लाइफ में जो भी कुछ किया है सब पे लिखो, डेली रूटीन में आप क्या क्या करते हो वो लिखो, बट लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखेंगे ना तो आपको करेक्टर फील होंगे कि हाँ यार ऐसा करेक्टर था, यार वो मामा तो खराब थे, वो अंकल खराब थे, तो उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, आप उस चीज को फील कर पाओगे। जब फील कर पाएंगे तो आप अच्छा लिख भी पाएंगे और उसको रियल में एक्ट करेंगे तो आप और अच्छा करेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी कहानी लिखो, आप एक शॉर्ट फिल्म टाइप की लिखो या अपने बारे में कुछ लिखो, शेरो शायरी लिखो, बट लिखो। आप रोज रात को एक टाइम निकाल लो, भाई मुझे आधे घंटे एक घंटा तो लिखना ही लिखना है, कुछ भी लिखो एक घंटा लिखने पर जरूर दीजिए। मैं कह रहा हूँ पक्का, अगर आपने ये 10 चीजें कर ली ना तो आपको एक अच्छा एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन आपको एक्टिंग से रिलेटेड सपने आने स्टार्ट हो गए ना, तो समझ लो मंजिल बहुत करीब है। अभी आपको क्या सपना आता होगा, नॉर्मल सब कुछ, यहाँ घूमने गए वहां घूमने गए, लेकिन जिस दिन आपको ना ये सपना आ गया ना, यार मैंने बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, मैं एक्टर बन गया, मैं यहाँ ऑडिशन देने गया, मैं वहां ऑडिशन देने गया, तो समझ लीजिए मंजिल बहुत करीब है और आप जल्दी स्टार बनने वाले हैं। तो गाइस प्लीज डेली रूटीन को फॉलो करिए, इनको बहुत वर्क करेगा, टाइम वेस्ट मत करिए, बार बार टाइम नहीं आने वाला है, बस आप यही कहते रहेंगे यार मेरे पास टाइम था, सब कुछ था, मैं यूज नहीं कर पाया। तो ये कहने से अच्छा है कि आप उस टाइम को यूज करिए और आगे बढ़िए, नाम कमाइए, अपना नाम करिए, घर वालों का नाम करिए, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है। तो गाइस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट मत करिए, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे एक अच्छे एक्टर बनते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज आप कितने रूल्स ऑलरेडी फॉलो करते हो, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपको बॉलीवुड के 3 फिल्म मेकर का नाम बताना है, बॉलीवुड के 3 फिल्म मेकर, जो टॉप फिल्म मेकर जिनको आप पसंद करते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम आपको डायलॉग देते रहते हैं, स्क्रिप्ट देते रहते हैं, जिससे आप प्रिपेयर करके हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करो, यहाँ पे आपको ऑडिशन अपडेट मिलते रहेंगे और बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानने को मिलता रहेगा। तो गाइस वीडियो देखने थैंक यू सो मच, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। हमारे जल्दी एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बॉलीवुड के बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।